अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रहें। कुक विद रूमी में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं बना रही हूँ सर्दियों के लिए एक ख़ास स्पेशल चाय, जिसे दो इंग्रेडिएंट्स ख़ास बना देंगे। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं, ताकि हम जान सकें कि वो स्पेशल या ख़ास इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने 500 ml दूध लिया है। इसमें मैं दो छोटी इलायची शामिल करूंगी। चीनी मैंने 2 टेबल स्पून ली है। मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने बादाम लिए हैं, जिसे मैंने 2 घंटे के लिए पानी में सोक कर दिया था। उसके बाद इसका पेस्ट तैयार कर लिया है, ये भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। ये हमारे स्पेशल इंग्रेडिएंट्स हैं। 1 पिंच मैंने ज़ाफ़रान लिया है, इसे भी मैं ऐड कर देती हूँ चाय में। पत्ती ली है मैंने 1 टेबल स्पून, और इसे मैंने मलमल के कपड़े में बांध दिया है, क्योंकि इस चाय को हम छान कर इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए मैं इसमें ये डाल देती हूँ और दूध के बॉयल होने का इंतज़ार करते हैं। दूध में बॉयल आ चुका है, अब हम इसे 5 से 7 मिनट खौलाएंगे, ताकि पत्ती का जो है वो अच्छा सा रंग हमारी चाय में आ जाए। मैंने चाय पका ली है, चाय तकरीबन हमारी तैयार हो चुकी है। अगर आप स्ट्रॉन्ग चाय और ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप पत्ती की क्वांटिटी बढ़ा लें, 1.5 टेबल स्पून तक आप पत्ती डाल सकते हैं। चाय हमारी तैयार हो चुकी है। पत्ती को जो मैंने पोटली बना के डाला था, इसे मैं निकाल लेती हूँ। अब मैं चाय सर्व करती हूँ। बादाम और ज़ाफ़रान की ख़ास और स्पेशल चाय तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें, ताकि मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।